चाहे से भाई इन्होंने सीजी करनी थी भाई अपनी गाड़ी भाई। भाई स्कॉर्पियो बात ओ ओ ओ ओ हमारी जो सेकंड राइड है भाई वो कब लगने वाली है, कहाँ के लगने वाली है भाई, मैं ना आपको भाई ब्लॉग्स में ना अपडेट्स वगैरह दे दूंगा। फाइनली गाइस इसमें ना भाई वाइजर वगैरह लग चुके हैं गाइस, देख रहे हो भाई पहले ना इसमें ना सिल्वर कलर का वाइजर था अपना भाई ब्लैक लगवा लिया भाई, ये देख रहे हो आगे ना भाई साथ पुलिस चेकिंग चल रही है भाई। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ मैं इस पैर से सुकना लेक से। आज ना भाई अपने राइड करते हैं खतरनाक सी, जो ब्लॉग है ना काफी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ भाई। आज जो हमारा प्लान था भाई वो था हमारे हिमाचल प्रदेश के कसौली में जाने का, बट गाइस क्या करें यार सुबह सुबह ने इतनी तेज बारिश हो गई कि यार भाई पूरा प्लान ना चौपट हो गया। और भाई बारिश ना बिल्कुल अभी थमी है भाई, कुछ एक दो घंटे ही हुआ होगा। पहले ना भाई मुझे दो दिन काम है यार वो निपटा के ना फिर आगे की राइड अपना कंटिन्यू करते हैं भाई। अभी तो चलता है भाई इसमें पेट्रोल डलवाने, भाई इसमें ना बिल्कुल भी पेट्रोल वगैरह नहीं है, तो भाई सबसे पहले भाई अपना पेट्रोल डलवाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे ना भाई नाका लग रखा था बड़ा खतरनाक, अब तो हट गया भाई नाका, ये चेक करो गाइस पुलिस ऑफिसर। ओह माय गॉड रिएक्शन मिल रहे हैं भाई। चंडीगढ़ का जो मेन पेट्रोल पंप है ना भाई वो यही है, और भाई यहाँ पे जो पेट्रोल डलता है ना भाई मतलब अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल होता है भाई इनके पास भाई, 210 रुपए का डाल दो। तो गाइस आज का जो पेट्रोल डलवाया है भाई वो आज डलवाया हमने अपने एंटोर्क में भाई XP95, वो ना भाई मतलब अच्छा पावरफुल पेट्रोल है। जो सिंपल पेट्रोल है ना आई थिंक भाई वो 97-98 के करीब है चंडीगढ़ में, बट गाइस जो X95 है ना वो 101 रुपए लीटर है, यानी भाई 5-6 रुपए तो मतलब महंगा ही है भाई। क्या लोकेशन है भाई यहाँ की, जो लोकेशन है ना यार बहुत प्यारी लोकेशन है भाई यहाँ, बता दो भाई मेरे पास ना पहले एक बेगा का हेलमेट था भाई, जो वो हेलमेट था ना भाई वो इतना प्यारा हेलमेट था ना कि भाई मैंने ना उसे कम से कम 2-3 साल यूज किया गाइस, उसमें ना भाई विंड नॉइज वगैरह बिल्कुल नहीं आती थी गाइस, ब्लॉगिंग में रहता था ना भाई वो हेलमेट बहुत प्यारा था भाई। अभी ना भाई उस हेलमेट के ना भाई मैंने काफी बार देखा भाई जो उसका वाइजर आता है ना वो ना भाई बहुत ज्यादा नाजुक सा आता है भाई, वो ना इजिली ना भाई थोड़ा सा टच करने पर टूट जाता है भाई, तो भाई उसका ना वाइजर टूट चुका है भाई, इसलिए ना भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, उसका ना वाइजर भी मुझे ठीक कराना है एजन गाइस, उसका वाइजर भी ना हम ठीक करा देंगे। फाइनली गाइस इसमें ना भाई वाइजर वगैरह लग चुके हैं गाइस, देख रहे हो भाई पहले ना इसमें ना सिल्वर कलर का वाइजर था अपना भाई ब्लैक लगवा लिया भाई, ब्लैक से तो और भी ज्यादा ना इसकी लुक नहीं एंस हो गया भाई, यही चीज तो मैं चाहता था। ये है वो स्टड्स एसएम के हेलमेट राइड योर ड्रीम्स भाई, ये ना भाई बहुत अच्छे डीलरशिप की शॉप है भाई। अब यहाँ पे ना अपने हाइपर राइडिंग करेंगे, एंटोर के बारे में भाई 2-3 अपडेट्स वगैरह और देने थे, बट गाइस अभी ना भाई पहले राइड करते हैं खतरनाक सी, फिर भाई उसके बाद में ही अपडेट देंगे यार अच्छे अच्छे से। ये देख रहे हो देखो देखो देखो, ए भैया थोड़ा पीछे देख लिया करो यार, शीशे में देख लिया करो। जो मेरे साथ जितने भी राइड वगैरह होते थे ना भाई वो ना भाई बिल्कुल भी राइड नहीं कर रहे हैं गाइस, जिनों पे भाई इतनी इतनी बड़ी बाइक्स होके भी वो राइड नहीं कर रहे भाई, RC 390 RC 200 एंड गाइस RS 200 भाई, RS 200 के साथ साथ F220 भाई और एक स्प्लेंडर वाला भाई, भाई ये जो है ना भाई अपने ग्रुप के मेंबर है भाई, और ये ना भाई मतलब राइड वगैरह करते ही नहीं भाई, उनमें से सिर्फ 2 बंदे राइड करते हैं भाई, ऐसा लगता है भाई उन्होंने ना राइडिंग वगैरह छोड़ी दी हो। और भाई मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आप राइड वगैरह मत छोड़ो भाई, ऐसा ना भाई भाई ब्लॉग्स वगैरह बनाओ भाई, ब्लॉग्स वगैरह के लिए यार गाइस ग्रुप राइड वगैरह करो यार। तो गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आशु अनकाश भाई भाई जल्दी से ना भाई राइड पे आओ भाई, स्कॉर्पियो बात ओ ओ ओ ओ हाई स्पीड अलर्ट आ रहा भाई अपने एंटोर्क में भाई, ये तो हमेशा आते हैं भाई, जब भी मैं इस फ्लाईओवर पे आता हूँ तो भाई ये तो पक्का आना ही आना है भाई, यहीं से ना हमारे जो पहाड़ वगैरह ना वो स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। भाई मैं ना बहुत अपने आपको खुश नसीब मानता हूँ कि भाई हम ना चंडीगढ़ में रहते हैं गाइस, चंडीगढ़ से जो भाई हिमाचल प्रदेश की दूरी है ना वो ना भाई 30 किलोमीटर के अराउंड है भाई। ये देखो भाई ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं यार, ट्रक से भी हाई स्पीड में भगा रहे हैं आपका भाई, संडे की राइड भाई अब तभी करेंगे भाई जब भाई अपना पूरा ग्रुप ना एक साथ होगा भाई, जब यार आपको पता है भाई जब अपना ग्रुप होना साथ में तो भाई तभी ना राइड करने का मजा आता है। देख रहे हो यहाँ पे यार इतने ज्यादा खड्डे वगैरह हो गए ना, ओ माय गॉड ओ ओ ओ ओ
वो भाई यहाँ का रोड के नहीं पता लग रहा है यार। पहले भाई आज से एक हफ्ते पहले तो ये रोड बिल्कुल ठीक था, बट गाइस यहाँ पे रोड का हालत देख रहे हो यार, कितने ज्यादा गड्ढे वगैरह हैं। वो भाई दोबारा से ना मेरे को उस दिन का वेट है कि भाई जिस दिन ना मैं दोबारा से अपनी लॉन्ग राइड रखूंगा। भाई पहले तो हमने राइड लगा लिया भाई शिमला के, दूसरी राइड जो होगी भाई पता नहीं कहाँ की होगी। एंड गाइस जो दूसरी राइड भी होगी ना बहुत ज्यादा खतरनाक राइड होगी ना, आपको पहली राइड में एंजॉय फुल मजे आए ना भाई, उससे ज्यादा मजे ना मैं आपको सेकंड राइड में दूंगा। हमारी जो सेकंड राइड है भाई वो कब लगने वाली है गाइस, कहाँ के लगने वाली है भाई, मैं ना आपको भाई ब्लॉग्स में ना अपडेट्स वगैरह दे दूंगा। यहाँ का जो रोड हो रखा है ना भाई वो एकदम गीला हो रखा है भाई, गीले रोड पे ना भाई किसी भी कोई भी बाइक हो या भाई कुछ भी चीज हो भाई वो उसके ना ग्रिप वगैरह नहीं बन पाती। जगह पे आके ना भाई आपके बाइक को दिल को ना बहुत ज्यादा सुकून मिलता है गाइस, देख रहे हो यहाँ से ना भाई अपने पहाड़ वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ओ अंकल जी कहाँ से आ रहे हो भाई साहब, ये कहाँ से आ रहे हैं यार, रॉन्ग साइड से भाई फरमाइंड चला जाता है ऊपर एंड गाइस जो ये रोड है ना आगे भाई सीधे जाते हैं शिमला एंड गाइस आगे ना भाई साहब पुलिस चेकिंग चल रही है भाई, भाई हमें ना पकड़े यार बस बस हे गॉड। हे गॉड बच गए भाई बच गए, मेरे को तो यार बड़ा डर लगा यार इस जगह ना भाई, भाई पकड़ लेते ना सच में भाई, चलान करना था भाई, चाहे से भाई इन्होंने सीजी करनी थी भाई अपनी गाड़ी भाई, क्योंकि भाई अपने पास ना नंबर प्लेट का सबसे बड़ा इशू है गाइस, जितने भी भाई बाइकर वगैरह ना जो भाई मुझे वॉच करते हैं भाई सच बता रहा हूँ भाई, इस टाइम बिल्कुल भी मत आना भाई यहाँ पे ना, अगर आपके पास कागज वगैरह पूरे है ना गाड़ी के गाइस, डुअल हेलमेट अगर दो बंदे बैठे हैं तो भाई दोनों पे ना हेलमेट होने चाहिए गाइस तभी आना भाई, वैसे मत आना। हो भैया क्या हो गया, ये जो रोड है ना भाई ये कुछ टाइम पहले ठीक किया था भाई पूरा एंड गाइस यहाँ पे देख रहे हो दोबारा से लैंडस्लाइड वगैरह ना हो गया भाई, और भाई मुझे पता लगा भाई मैंने न्यूज वगैरह भी देखता हूँ गाइस, जो मेरे इन्वायरमेंट है ना भाई मैं उससे ना जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ, हिमाचल प्रदेश है ना भाई उसमें ना बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है भाई, इसका कारण ना एक यही है कि भाई इस पे जो पहाड़ों को ना काट काट के जो भाई घर वगैरह बना रहे हैं ना भाई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं भाई, उसी कारण ना भाई ये जो पहाड़ है ना भाई वो थोड़े ना कमजोर हो चुके हैं गाइस भाई, उसी कारण ना भाई ये लैंडस्लाइड वगैरह ना ज्यादा बढ़ गया भाई। और भाई अपना जो हिमाचल प्रदेश है ना भाई ये बहुत सुंदर है, कैंटोर के बारे में अपडेट्स देता हूँ भाई, अभी ना ये कैंटोर लॉन्च हुई है भाई, वो जो कि एक्सपी मॉडल है भाई, वो एक्सपी मॉडल ना ब्लैक कलर में, और ब्लैक कलर में ना जो उसकी लुक है ना भाई बहुत अच्छी कर दी है, ग्लोसी ब्लैक वगैरह दे रखा है इनका, इस मैट भी दे रखा है उसमें। मैं ये चीज है कि भाई उसमें ना जेके के टायर वगैरह, अगर भाई आपको पता है जेके टायर ना बहुत अच्छी कंपनी है भाई, वो टायर्स वगैरह ना बहुत अच्छे बनाते, तो हम वालों की जो स्कूटी है ना भाई वो भी ना 155 cc की, वो एंटोर के साथ ही है भाई, लेकिन भाई एंटोर को ना वो मात दे देगी इसीलिए, क्योंकि भाई एंटोर का 125 cc की इनका जो वो है ना गाड़ी भाई वो 155 cc की, तो आपको पता भाई यहाँ पे ना भाई सीसी में डिफरेंस आ गया, ये देख रहे हो भाई क्या लीन बजेगा खतरनाक वाला, ये चेक करो गाइस गाइस देखते हैं भाई अपनी एंटोर यहाँ पे कितनी टच होती है। ये चेक करो गाइस लीन आ गया, माय गॉड क्या लीड बचाया यार अपनी गाड़ी पे, ओ माय गॉड अबे भैया देख ले देख ले, ये
दे रहे अपने सामने अपनी प्यारी बी स्टैंड। तो और गाइस मुझे ना कमेंट करना कि भाई इसकी जो लुक है ना भाई आपको कैसे लगे। आज मैं सोच रहा था कि भाई आज ना मैं जाऊंगा भाई कसौली में भाई, जब सुबह निकले ना तो भाई इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी इतनी तेज भाई, मतलब बिल्कुल ही ना भाई निकलने का मौका ही नहीं मिला। और गाइस कसौली ना आज मेरा घूमने के साथ साथ भाई एक दूसरा प्लान ये भी था, देख रहे हो गाइस ये जो मेरा ये जो कीचन है ना भाई ये ना खराब हो चुकी है गाइस, देख रहे हो मैंने कैसे बांध रखा है भाई इसको ना, मैंने ऐसे जोड़ा क्योंकि भाई ये ना मेरी निशानी है भाई। जब मैं फर्स्ट टाइम भाई गया था ना कसौली गाइस, जब मेरे पास एंटोर्क भी नहीं हुआ करती थी भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, तब मैंने ये ली थी भाई अपनी कीचन। भाई इसे तो मैं संभाल के रखूंगा एंड गाइस दूसरा भी ना भाई हम कसौली में जाके ले लेंगे एंड गाइस अगर आगे का मौका मिला तो भाई वहां से ले लेंगे। देखो कितनी ज्यादा मिट्टी है देखो भाई अभी ना, मतलब बहुत ज्यादा बारिश वगैरह पड़ी है तो उस कारण ना भाई पूरी ना एंटोर्क गंदी हो चुकी है यार। मुझे ना यार कमेंट करके भी बताना कि जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह हैं आपको कैसे लगते हैं, आपको इंजॉयफुल लगते हैं नहीं लगते हैं भाई, जैसे भी आपको रिव्यू ना भाई खराब हो अच्छा हो भाई मुझे कमेंट करके बता देना। भाई गाइस ओवरऑल ये रही अपनी प्यारी बी स्टैंड और मैं ये जो ब्लॉग है ना यहीं पर ही एंड करूंगा। तो होप यू आर एंजॉयिंग दिस ब्लॉग, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो सो प्लीज आपको बताया क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अपने भाई के चैनल को। तो गाइस चलो इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को मैं कर दूं यहीं पर एंड, मिलता हूं नेक्स्ट फ्राइडे से बॉम्ब से ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली, बाय।